वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे बीएससी फाइनल के ऊपर, और बीएससी फाइनल में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेडियल एंड ट्रांसवर्स, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। उनके कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे और दोनों के आर्टिकल अपन ने कर लिए थे। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूरी नहीं लिखूंगा, आप देख लेना बुक में, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन विद वेलोसिटी एफ अपॉन ओमेगा। ये कह रहा है कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में एफ अपॉन ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज हमें कह रहा है कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में एफ अपॉन ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है, यानी कि प्रारंभिक जो बात करते हैं प्रारंभ में जो आपको वेग दिया है वो कितना दिया है, एफ अपॉन ओमेगा। ये दिया है कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में एफ अपॉन ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है, यानी कि प्रारंभ में जो आपको वेग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, एफ अपॉन ओमेगा दिया हुआ है। आगे कह रहा है एंड मूव्स विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द ओरिजिन एंड विद कॉन्स्टेंट नेगेटिव रेडियल एक्सीलरेशन माइनस एफ, यानी कि तथा मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग ओमेगा तथा अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण माइनस एफ से चलता है। और कह रहा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष ये अचर कोणीय वेग, अचर कोणीय वेग कितना दिया है, ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ये दिया हुआ है, ये कितनी दी हुई है, ओमेगा दिया हुआ है। तथा साथ में कह रहा है कि अरीय त्वरण माइनस एफ, साथ में दिया है इसने अरीय त्वरण, अरीय त्वरण वो कितना दिया है, माइनस एफ, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, ये कितना दिया हुआ है, माइनस एफ। तब हमें सिद्ध करना है कि जो इसका पथ का समीकरण होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू एफ वन माइनस ए की पावर माइनस थीटा, ये इसका पथ हमें फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज हमें दी हुई है वो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक कण है वो मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में एफ अपॉन ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तथा साथ में माइनस एफ अरीय त्वरण से चलता है। तब ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि इसके पथ का जो समीकरण होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर इंटू इक्वल्स टू एफ इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस थीटा। तो इसका प्रूफ देखते हैं, आप देखना सिंस अरीय त्वरण बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस एफ, और हम जानते हैं अरीय त्वरण क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एफ, ये चीज़ हम जानते हैं। इसको आप लिख सकते हो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एफ, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम जानते हैं, आप जानते हो कोणीय वेग क्या होता है, जो कोणीय वेग होता है वो क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कितना दिया हुआ है, ओमेगा, इसको आप लिखते हो थीटा डॉट बराबर ओमेगा, यानी कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये डायरेक्ट याद रखना कोणीय वेग होता है वो कितना होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो सिंस डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कितना दिया हुआ है, ओमेगा, ये ओमेगा मैं यहाँ यूज करता हूँ डी थीटा अपॉन डी टी की जगह, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू माइनस एफ, ये यहाँ तक इक्वेशन आ गई अपनी। अब देखना इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको एक बार टू डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई टू डी आर अपॉन डी टी, इस पूरी इक्वेशन को टू डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखना आपके पास बचेगा टू डी आर अपॉन डी टी
डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर अपॉन डी टी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखना, मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करके मैं इस टी को उठाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे टी इसमें नहीं चाहिए, आपकी दी हुई इक्वेशन में टी नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको हटाना चाहूँगा। वो किससे हटेगा, वो एक बार इंटीग्रेशन करने से हटेगा। तो इंटीग्रेशन फिलहाल तो इसका कुछ सीधा सीधा दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये देखो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करो आप तो क्या होगा, टू डी आर अपॉन डी टी और एक बार इसका डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका अवकलन यही होगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना इस वाली टर्म को मैं लिख रहा हूँ d अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। क्लियर होगा, क्योंकि इसको जब आप वापस ओपन करते हो तो यही मिलेगा आपको, फिर माइनस बाकी वाली टर्म एसी की एसी ओमेगा स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से डी टी सब में से रिमूव कर सकते हो आप, तो डी डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर। इंटीग्रेशन कर दो इसका, क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये डी हट जाएगा डेरिवेटिव, माइनस इसका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू डी आर। सॉरी, एक चीज़ इसमें देखना, हमने इसको टू डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई किया तो इसका टू है, ये भी यहाँ टू है। क्लियर है? तो यहाँ भी क्या आएगा, टू आएगा, एक ये टू ये टू ये टू, तो यहाँ भी क्या आएगा, ये टू इक्वल्स टू इसका क्या होगा, टू एफ आर प्लस सी। क्लियर है? इंटीग्रेशन किया है, इसका क्या होगा आर स्क्वायर बाई टू, इसका क्या होगा डी आर का सिर्फ आर होगा और इसका डेरिवेटिव हट जाएगा। अब हम प्रारंभिक स्थिति की बात करते हैं और इस कांस्टेंट सी का मान निकालते हैं, दो से दो कैंसिल। देखना अब प्रारंभ में, अब देखो प्रारंभ में बात करते हैं तो प्रारंभ में जो अपना कण है वो कहाँ है, मूल बिंदु के ऊपर ही है, मूल बिंदु के ऊपर है। ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस को, दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो आर का मान होगा मूल बिंदु के ऊपर, मतलब कण ने कोई दूरी नहीं चली है, कोई दूरी नहीं चली है, मतलब प्रारंभ में आर का मान क्या होगा, जीरो होगा। और प्रारंभ में वेग कितना दिया हुआ है, वेग हमें दिया है प्रारंभ में एफ अपॉन ओमेगा, यानी कि डी आर अपॉन डी टी बराबर अपने को कितना दिया हुआ है, एफ अपॉन ओमेगा। वेग इस, ये क्या है आर, एक तरीके से विस्थापन मान सकते हो, इसमें परिवर्तन क्या होता है, वेग ही होता है। तो डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, एफ अपॉन ओमेगा होगा। सारी वैल्यू यहाँ यूज करते हैं तो देखना, आर बराबर जीरो रखोगे तो ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, डी आर अपॉन डी टी की जगह एफ अपॉन ओमेगा, और बराबर में क्या बचेगा सी, यानी कि सी बराबर आपके पास क्या आएगा, एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। ये क्या बचेगा आपके पास, सी की वैल्यू बचेगी। सी की वैल्यू वापस मैं यहाँ पुट करता हूँ तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का एफ आर टू एफ आर प्लस एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। ये टर्म आपके पास बच जाएगी। अब देखना आगे, इसको उधर ले जाओ तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एफ आर प्लस एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ, इसी टर्म को मैं इसको पहले इसको आगे पीछे लिख रहा हूँ, तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूँ एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एफ आर। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण आपको दिख रही होगी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं, ये आपको होल स्क्वायर दिख रहा है, ये किसका होल स्क्वायर होगा,
ये होगा एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल के देख लो, ए स्क्वायर मतलब एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर माइनस दोनों की गुणा का दुगुना, तो टू एफ अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा आर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस टू एफ आर, यही आ रही है वापस, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर बना सकते हो। तो आगे चलते हैं, यहाँ से डी आर अपॉन डी टी बराबर आपको क्या मिलेगा एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर, यहाँ तक आपके पास इक्वेशन आ चुकी। अब आगे क्या करना है आपको, आगे इसमें इस टी को रिमूव करना है, टी को रिमूव करने के लिए मैं ऊपर नीचे इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी आर अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई करके डी आर अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर, ये आ गया। यहाँ से देखना डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह क्या यूज कर सकता हूँ ओमेगा, तो ओमेगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर, ओमेगा को उस तरफ भेज देता हूँ, तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये क्या बचेगा आर, क्योंकि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको अरिय त्वरण इसमें दिया हुआ है, तो अरिय त्वरण बराबर कितना दिया हुआ माइनस एफ, ये अरिय त्वरण होता है माइनस एफ के बराबर, इसको इस प्रकार लिख सकते हो। फिर क्या किया मुझे ये क्या है टी को रिमूव करना है, आपको इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, टी को रिमूव करना है। टी को रिमूव करने के लिए आप दो प्रक्रिया इसमें लगाओगे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन करना क्या है सिर्फ टी को रिमूव करना है। टी को रिमूव करने के लिए आप दो बार इसका इंटीग्रेशन करोगे, बस इतना ध्यान रखना, पहली बार इंटीग्रेशन करोगे तो इसको टू डी आर अपॉन डी टी से ऊपर नीचे पूरी इक्वेशन को टू डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन के रूप में आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, प्रारंभिक स्थिति की बात कर लो, जब r बराबर जीरो डी आर अपॉन डी टी बराबर एफ अपॉन ओमेगा, सारी वैल्यू पुट कर दो और c का मान निकाल दो। थोड़ा और आगे चलते हैं, c का मान पुट करते हैं, होल स्क्वायर बनेगा डी आर अपॉन डी टी बराबर निकाल दो। अब यहाँ से मुझे क्या करना है t को हटाना है, t को हटाना है तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस प्रकार बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दूंगा। आगे चलते हैं, आगे देखना, यहां से अपने पास रिजल्ट आया डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो आर के पद है ये पूरा, इसको डी आर के नीचे ले लो, यानी कि डी आर अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू डी थीटा। अब इसका दोबारा अवकलन इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बनेगा लॉग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर, और साथ में इसका जो गुणांक है कोफिशियंट है माइनस, वो इसके गुणा में आ जाएगा इक्वल्स टू थीटा प्लस सी वन। डी थीटा का क्या होगा थीटा और कांस्टेंट का सी वन। अब वापस मुझे क्या चाहिए, इस कांस्टेंट का मान चाहिए, कांस्टेंट का मान निकालने के लिए वापस मैं प्रारंभिक स्थिति की बात करता हूँ। प्रारंभ में आर बराबर क्या है जीरो। अब प्रारंभिक स्थिति है मतलब कण मूल बिंदु पर ही है, मतलब कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब थीटा बराबर कितना होगा जीरो होगा। दोनों रिजल्ट यहाँ वापस पुट कर दो तो ये जीरो, तो सी वन बराबर मिलेगा माइनस लॉग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सी वन का मान यहाँ पुट करता हूँ तो माइनस लॉग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू थीटा माइनस लॉग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो देखना, इसको इधर ले आता हूँ तो लॉग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस लॉग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू थीटा। इसमें लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू
थीटा, लॉग को इधर भेज दो, लॉग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई की पावर थीटा अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू ई की पावर थीटा। अब एक चीज़ देखना है यहाँ से, मुझे क्या चाहिए, अपने क्वेश्चन में जाओ, ये ई की पावर माइनस थीटा है, यहाँ ई की पावर थीटा है, तो पलट दो इसको, पलट दोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर। क्लियर, ये माइनस आर ऊपर, ये नीचे, इस प्रकार होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस थीटा, इसको उधर ले जाओ तो एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस थीटा। आर को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, यानी कि आर बराबर आपके पास क्या बचेगा, एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा। पूरी इक्वेशन में से आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन में से एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आर बराबर आपके पास आएगा, यहाँ से मैं एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास बचेगा वन माइनस ई की पावर माइनस थीटा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू एफ वन माइनस ई की पावर माइनस थीटा। यही क्या करना था हमें, इस पथ का समीकरण निकालना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, करना कुछ नहीं है, दो बार इंटीग्रेशन करके आपको, क्यों दो बार इंटीग्रेशन क्यों करना है, क्योंकि रेडियल जब एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो उसमें डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आता है, यानी कि मुझे वहाँ से टी को हटाना है। टी को कब हटेगा, टी दो बार अवकलन हुआ है तो दो बार समाकलन होगा तब हटेगा, तो समाकलन कैसे करना है उसकी प्रोसेस आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एक बिंदु एक समान वेग v से स्मॉल a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है, सिद्ध करो कि अर्य तथा अनुप्रस्थ, सिद्ध करो कि अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा तथा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा होगा यदि वृत्त के किसी व्यास को व्यास के एक सिरे को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव मान लिया जाए। अब करते हैं इसका प्रूफ, तो प्रूफ देखना, प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम, डायग्राम देखना किस प्रकार से होगा। सबसे पहले इसने दिया है हमें कि एक सर्किल है आपके पास, उसकी रेडियस कितनी है, ए है, सर्किल की रेडियस कितनी दी है, ए दी है, और ये वाली भी क्या होगी, ए होगी, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इस प्रकार दिया है इसने। अब मैं देखना एक चीज़, ये बोल रहा है कि इसकी प्रारंभिक रेखा व्यास ले लो, प्रारंभिक रेखा क्या है, व्यास ले लो, और व्यास का एक सिरा ध्रुव मान लो, और वहाँ से उस कण को चलाओ आप, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कण यहाँ से चलना प्रारंभ किया इस प्रकार से, और टी समय में मैं मान लेता हूँ ये कण यहाँ पहुँच जाता है, इसका ध्रुव क्या है, ध्रुव ये है, तो यहाँ से इस प्रकार ये मिला दो, ठीक है, ये आपने मिला दिया, यहाँ से ये P, ये दूरी R ले लो, ठीक है।
ठीक है, यानी कि ये एंगल कितना मान लेता हूँ थीटा, तो पी के निर्देशांक कितने हो गए, आर और थीटा हो गए, क्लियर है। आगे देखना, इसी प्रकार मैं इसको यहाँ से मिला रहा हूँ, इसको यहाँ से मिला दिया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, रेडियस कितनी है, ए है। एक चीज़ और देखना, यहाँ से इसको इस प्रकार मिला देता हूँ, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। यहाँ से अब एक चीज़ देखना, ये कण जब चलना प्रारंभ कर रहा है और लास्ट तक जब तक चलता जा रहा है, तब तक इसका वेग क्या है, वी है, क्योंकि क्या है, एक समान वेग वी से चलता है, वेग क्या है, एक समान है, एक समान है, तो मतलब न कम होगा न ज़्यादा होगा, यानी कि मैं मान लेता हूँ टी समय पर जब ये यहाँ पहुँचा, तो यहाँ भी वेग क्या रहेगा, वी ही रहेगा, यहाँ भी वेग क्या रहेगा, वी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये इस प्रकार से आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे इसका ध्रुव लिखना है, इस एपी की डायरेक्शन में क्या लिखना है, इसके वी के घटक लिखने हैं, इसके क्या लिखता हूँ, घटक, एक घटक तो कौन सा होगा, वी कोस थीटा होगा, और एक घटक कौन सा होगा, वी साइन थीटा होगा, यानी कि ये वाला घटक तो कौन सा होगा, ये एंगल थीटा, ये वाला क्या होगा, वी कोस थीटा होगा। सिमिलरली ये वाला घटक कौन सा होगा, वी साइन थीटा होगा, और कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। ये तो अनुदिश घटक हो गया, ये लंबवत घटक हो गया। अब एक चीज़ देखना, यहाँ से अनुदिश घटक मतलब ये अनुदिश वेग है, अनुदिश वेग कौन सा होता है, अरे ये वेग होता है, तो ये कौन सा होगा, अनुप्रस्थ वेग होगा, क्लियर है यहाँ तक आपको, ये कौन सा होगा, अरे ये वेग, अरे ये वेग किस दिशा में होता है, जो अरे दिशा में होता है, यानी कि अनुदिश होता है। तो वेग के घटक ये हैं, वेग के दो ही घटक होते हैं, एक तो अरे वेग होगा, एक अनुप्रस्थ वेग होगा, जो अनुदिश होगा वो अरे होगा, जो लंबवत होगा वो अनुप्रस्थ होगा। अब यहाँ से देखना, मैं इस आर का मान और निकाल लेता हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आर के मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आर का मान और निकाल लेता हूँ इस पूरी इक्वेशन से। ये आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जिसमें ये क्या है, कर्ण दिख रहा है आपको, ये क्या है, आधार है, आपके पास आधार और कर्ण है, आधार और कर्ण में संबंध किस में होता है, कोस थीटा में होता है, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए अपॉन के होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार कितना आपके पास, आर, के कितना है, ये ए तो पूरा कितना हो गया, 2a, यानी कि आर बराबर 2a कोस थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब अरे वेग क्या है, सिंस अरे वेग क्या है आपने पास, अरे वेग आया है माइनस वी साइन थीटा, यानी कि अरे वेग क्या होता है, आर डॉट बराबर माइनस वी साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है। आगे और बढ़ते हैं, इसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग बराबर आपके पास क्या आया है, v cos थीटा, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, r थीटा डॉट r की जगह अपने पास क्या दिया हुआ है, इस बार a दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, a नहीं, ये पूरा r ही है, r थीटा डॉट बराबर v cos थीटा। यहाँ से देखना, अब सबसे पहले मुझे मेरे पास क्या आ गया, अरे वेग भी आ गया और अनुप्रस्थ वेग भी आ गया, यहाँ से क्या निकालोगे आप, अनुप्रस्थ त्वरण और अरे त्वरण, सबसे पहले अरे त्वरण निकालता हूँ, अरे त्वरण यानी कि रेडियल एसीलरेशन, वो क्या होगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ से आर डबल डॉट का मान निकाल लो, आर डबल डॉट बराबर क्या होगा, आर डबल डॉट माइनस वी कोस थीटा, और साथ में इस थीटा का भी होगा, वो क्या होगा, थीटा डॉट होगा, तो सारी वैल्यू उसमें रखते हैं, आर डबल डॉट का मान माइनस वी कोस थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर को नीचे भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आगे थीटा डॉट की वैल्यू वापस रख दो, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू माइनस वी कोस थीटा इंटू थीटा डॉट की वैल्यू देखना, अब क्या होगी, थीटा डॉट की वैल्यू होगी वी कोस थीटा अपॉन आर,
तो v cos थीटा अपॉन r माइनस, यहाँ से देखना r से इसकी एक पावर कैंसिल और ये क्या बनेगा v cos स्क्वायर थीटा यहाँ से अपॉन में r। आगे देखना ये पूरा क्या बन जाएगा, ये भी v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r माइनस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r, ये एड होके क्या बन जाएगा माइनस का 2 v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r। अब सिंस r की वैल्यू आपको दी हुई है 2a cos थीटा, तो r की जगह रख दो 2a cos थीटा माइनस 2 v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2a cos थीटा, ये cos थीटा की एक पावर कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया माइनस v स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, यही आपको पूछा होगा। तो अरिय त्वरण क्या है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, यही क्या करना था आपको निकालना था। तो ये क्या हो गया अरिय त्वरण हो गया। अब आगे चलते हैं और निकालते हैं नेक्स्ट पार्ट अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखना अनुप्रस्थ त्वरण ये क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, यहाँ से देखना इसका फॉर्मूला 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखना हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें एक तो थीटा डबल डॉट चाहिए, आर डॉट अपने पास है, थीटा डॉट अपने पास है, आर अपने पास है, हमें क्या चाहिए थीटा डबल डॉट चाहिए। तो सिंस थीटा डॉट बराबर है आपके पास वी कोस थीटा अपॉन आर, यहाँ से थीटा डबल डॉट निकालता हूँ मैं, थीटा डबल डॉट आर स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लो, आर ऐसा का ऐसा, कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा और थीटा का थीटा डॉट, फिर माइनस, क्लियर। अब क्या रहेगा, कोस थीटा ऐसा का ऐसा रहेगा, आर का क्या होगा आर डॉट होगा, क्लियर है। अब देखना थीटा डॉट और आर डॉट की वैल्यू वापस रख दो, तो थीटा डबल डॉट बराबर वी माइनस आर साइन थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू वी कोस थीटा अपॉन आर, फिर माइनस कोस थीटा, आर डॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, आर डॉट की वैल्यू माइनस माइनस प्लस वी साइन थीटा, यहाँ से देखना आर से आर कैंसिल, तो थीटा डबल डॉट बराबर वी, ये माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा प्लस वी साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल, यानी कि थीटा डबल डॉट बराबर क्या मिला आपको जीरो, यानी कि थीटा डबल डॉट का मान तो क्या आ गया जीरो, तो आप जीरो यहाँ रखोगे तो ये इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट बच जाएगी टू आर डॉट थीटा डॉट, यहाँ से आर डॉट और थीटा डॉट का मान लिख देते हैं। देखना इक्वल्स टू टू आर डॉट का मान अपने पास है माइनस वी साइन थीटा, थीटा डॉट का मान अपने पास है v cos थीटा अपॉन r, ये माइनस बाहर ले लो माइनस टू v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन r, यहाँ से देखना r का मान अपने पास क्या था 2a cos थीटा, तो माइनस टू v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2a cos थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो माइनस का वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, ये क्या आ गया आपके पास अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या पूछा था, माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, अरे त्वरण क्या निकालना था आपको, माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, यही आपको पूछा था इस क्वेश्चन के साथ। अगर कोई एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होते हैं तो वो और करवा देंगे, बट रेडियल और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो इस क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट होता है। मेरी तरफ से आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।